ठीक है मैम, बट मैम मेरे पास ना स्पोर्ट्स बाइक है, तो मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? सो हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो तो यार देखो, अभी मैं ना बहुत जल्दी में हूँ, और जल्दी में यार इसलिए हूँ क्योंकि ना आज तुम्हें यार समझ में आ गया होगा वैसे मैं किस चीज़ के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो है किस चीज़ के ऊपर है, तो मुझे ज़्यादा अभी डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि यार एक राइड जो है वो बुक हो गई है, तो बस उसी को पिकअप करने जा रहा हूँ एंड देखते हैं भाई रिएक्शन, क्या रिएक्शन मिलते हैं, तो रिएक्शन भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और हाँ यार, पता है इतने टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, बट क्या कर सकते हैं भाई इसमें, अब जब जब टाइम मिलेगा तभी व्लॉग बनाऊंगा ना यार। बट देखो भाई, आज भी ना मैं बिना ब्रेकफास्ट करे और अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करके आया हूँ भाई जल्दी जल्दी। मैं कहा चलो यार आज आप सभी के लिए भी वीडियो बना देते हैं, और लोकेशन मेरे को थोड़ा सा आगे शो कर रहा है, 23 सेक्टर से लगी है राइड। यार इसमें ना एक चीज़ का बड़ा पंगा है, कभी कभी ना कस्टमर राइड कैंसिल भी कर देता है, तो बस मैं को उस चीज़ का आ रहा है और तो कुछ नहीं। और पता नहीं भाई इस बाइक पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, वो भी देखना है नहीं बैठेंगे तो भाई कुछ नहीं कर सकते, राइड कैंसिल। और बाय द वे यार, आज ना सुबह सुबह बारिश हो गई थी, मतलब अच्छा लग रहा है यार, ये मौसम सही हो गया बस और कुछ नहीं। एंड अभी कॉल करके पूछो ज़रा कहाँ पर है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैम मैं चौक के यहाँ पे खड़ा हूँ अभी ना, मैं मंदिर के साइड आने यहाँ से। हाँ, हाउस नंबर। ठीक है मैम, बट मैम मेरे पास ना स्पोर्ट्स बाइक है, तो मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? नहीं नहीं कोई नहीं। ठीक है मैम, ओके। मैंने पूछा कि स्पोर्ट्स बाइक है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहते नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अब। भाई 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 सही है सही है। और इसमें ना पेट्रोल भी थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इसे मैंने बहुत चलाया था भाई अभी बीच में। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ से जाना था, मैं अभी भूल जाता कभी कभी। हाँ जी हाँ जी, बैठ जाइए बैठ जाइए। यहीं पे ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी हाँ जी ठीक है। क्या यार, यहाँ तो यार कैमरा लगा के बैठे हुए थे बड़े मजे से, स्पीड वगैरह चेक कर रहे हैं, स्पीड का चलान हो रहा है सिद्धाई। एंड भाई देख रहे हो तुम्हारा भाई चिल्लर इकट्ठे कर रहा है 30-30 रुपये। बताओ यार, और जहाँ से मैंने राइड बुक करी थी ना वहाँ से ना राइड नहीं पड़ी, मतलब राइड तो पड़ रही थी लेकिन वहाँ से उसने पिक नहीं किया राइड को, फिर मैं ये सडनली यहाँ की पड़ गई 23 सेक्टर से। तो या अरे मैंने एक बार ना फेस कैम करके बताने वाला था कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो बट यार क्या करें, अब क्या करें बताओ तुम यार, अचानक ही राइड आ गई यार। मैंने सोचा चल यार डायरेक्ट कर लेते हैं, बाकी ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है ऐसे भी। एंड भाई यार शाम के टाइम ना कभी कभी ना अपने फैमिली के मेंबर भी मिल जाते हैं मेरे को, काफ़ी बार मिले हैं, मतलब 3-4 बार तो मतलब मिले हैं मेरे को रोड पे चलते चलते, और भाई क्या ही बताएं यार वो फीलिंग, यार वो फीलिंग जो है ना मैं ना ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो बस फिर भी समझने की कोशिश करो भाई इस टाइम पर कैसे लगता, अच्छा लगता है मिल के यार, तो बस ऐसे ही मिलते रहा करो, जब भी कभी देख लिया ना मेरे को तो भाई आ जाए करो मिलने। और मेरे को लगता है मैं ना थोड़ी गलती कर दी एक एक्स्ट्रा हेलमेट लेके आगे, बिकॉज पीछे ना पिलियन के बैठने की इतनी स्पेस नहीं हो रही है, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मे बी, ऐसा मेरे को लग रहा है बाकी पता नहीं। और मेरे को भी थोड़ा सा आगे होकर बैठना पड़ रहा है, और ज़्यादा आगे होगा तो फिर समझ सकते हो। एंड भाई देखो हर जगह पर स्मार्ट बाइक्स लग गई हैं स्टैंड पे, और सही है मतलब स्मार्ट बाइक का भी है सिस्टम यार, बट यू नो यार वी आर इंडियंस, और इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को ना चीज़ें नहीं समझते यार, तो अगर वो लोग अगर उस चीज़ को चीज़ समझ के चलाएं, अपनी चीज़ समझ के चलाएं और ध्यान से चलाएं,
तो भाई ठीक है, वरना तो फिर पता ही है यार आप सभी को। यार अभी न्यूज़ में भी आया था कि यार कितने कुछ साइकिलों के टायर्स वगैरह चोरी हो गए और किसी साइकिल की बैटरी निकल गई मतलब निकाल दी, निकल तो सकती नहीं अपने आप, निकाल दी गई है। तो तब करके यार क्या ही बोल सकता है ऐसे लोगों को। यार देखो राइड लगी तो है, मैं कॉल कर रहा हूँ एक बार। और जाना भी 7 सेक्टर है यार, थोड़ा दूर है बट चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। क्या जॉब करते हो आप यहाँ पे? गूगल पे कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। मेरे को ना वीरू भाई भी मिलने को कह रहा था, और वैसे मैं भी हूँ 7 सेक्टर में और वीरू भाई रहता है 8 सेक्टर में। तो सोच रहा हूँ क्या करूँ, एक बार मिलूँ कि ना मिलूँ, या फिर ना यार अभी मिल तो लूँगा बट यार टाइम लग जाएगा फिर, और वीडियो फिर कंप्लीट कैसे होगी जो टाइम लग गया था ना। तो अभी थोड़ा रहने देते हैं, बाद में देखते हैं, ये टाइम मिला तो मिल लेंगे, फिर नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते ब्रो। लो भाई एक और राइड होगी बुक, अब इनको करते हैं फॉलो, और 5 मिनट का टाइम दिया तो 5 मिनट में पहुंचते हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ जी, कोई बात बैठ गए। थैंक यू मैम। तो यार अभी ना एक और राइड लगी है, तो यार ये ना अभी 4th राइड मार रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये ना बस सब बस एंड करते हैं इस वाले वीडियो को, ये इस लास्ट राइड के बाद, क्योंकि यार देखो अभी जाना भी है, अभी और भी काम है थोड़े बहुत, और टाइम भी हो रहा है ना, और ऊपर से रिएक्शन यार ठीक है नॉर्मल ही है। और पहली बात तो भाई लोग ना यार कैमरा ही देखकर थोड़ा बहुत डर जा रहे हैं, तो साइड में फेस में ये देखो भाई अपना वीरू भाई आ गया। ओ बेटे क्या हाल है? ओ भाई 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 भाई, ओ भाई ये क्या हिरण से पाल के फिर रहा भाई तू? सोने जाता मैं। ओ यार रहता भाई। और बता ठीक है भाई? ठीक है यार, अभी कितना शर्माता है बाबे तो कैमरे में। तो भाई भाई अभी जॉब करके आ रहा है ना भाई, जॉब करके आ रहा, तो भाई इसमें शर्माना ही क्या यार। हाँ तो गाइस बस यार मैं इस वाले वीडियो को बस एंड ही करते हैं, बिकॉज यार देखो अभी ना मैंने लास्ट राइड अभी मार के आया था, तो मतलब दिख तो होगी थी राइड, फिर मैं उनके पास जा ही रहा था, तभी ना कैमरा ना ऑफ होने लग गया, मतलब डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच ही गया था वैसे ही कैमरा ऑफ हो गया। फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई बैटरी वगैरह जो है कैमरे की ख़त्म हो गई है, तो अब कुछ ऑप्शन तो बचा नहीं था, फिर वो वाली राइड जो है पिक की, फिर वीरू भाई के इधर ही आना था मैंने सेक्टर 8 में, तो यहीं पर ड्रॉप किया, फिर इधर ही आ गया मैं डायरेक्ट वीरू भाई को कॉल करके। तो बस अभी का यही सीन है, और पता क्या हुआ, रिव्यू इतना गंदा मिला ना, पता क्या कहती है, कहते भैया मैं ऐसी बाइक में बैठ नहीं सकती, क्या नहीं बैठ सकती भाई इसमें। चलो ठीक है यार, आपको पता है लड़कियों के नखरे कितने होते हैं ना। बाकी यार रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन इतने नहीं मिले, ठीक है भाई रिएक्शन इतने नहीं मिले, बट ठीक है यार कोई बात नहीं, हर कोई रिएक्शन नहीं दे सकता ना। और पहली बात तो यार वो भी है, क्या बोलते हैं उसे, आधे आधे लोग तो भाई कैमरा देख के मतलब साइड हो जाते, क्योंकि भाई होता ही है यार सभी को, यार कैमरा लगा हुआ तो डर तो लगता ही है ना अंदर से, जिन्हें मतलब आदत नहीं होती। बाकी चलो यार ठीक है, वैसे भी यार स्क्रिप्टेड तो था नहीं, जो कि भाई इसमें एपिक वाले रिएक्शन मिलेंगे वो स्क्रिप्टेड वालों में मिलते हैं भाई, ये नेचुरल है। तो ठीक है बाकी इस वाले ब्लॉग को ख़त्म करते फिर, आई मीन इस वाले वीडियो को, तो बाकी एक बार बाइक दिखा देते, देख लो भाई कैसी लग रही है। ऐसे कुछ भाई अपनी बाइक लग रही है, और थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि आजकल इतना चला नहीं पा रहा ना इसको तब करके। बाकी चलो ठीक है यार, वीरू भाई से थोड़ा सा मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार कॉन्ग्रेचुलेशंस
टू यू गाइज, बिकॉज आप सभी की वजह से हमारी फैमिली जो है 3K की हो गई है, 3K मतलब 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं कंप्लीट। तो बस ठीक है यार, अब ये ऐसे ही बढ़ते रहना आगे, और मैं भी ट्राई करता रहूँगा कि भाई वीडियोस वगैरह बनाता रहूँ। और ठीक है यार, कोई नहीं, सपोर्ट करो बस, बाकी प्यार तो अपने बीच में है ही, है ना। चलो ठीक है, इस मिलते हैं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, दिस इज द अल्पराइडर साइनिंग ऑफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय।